Hello, students. Welcome you all to baju's exam prep. So, my dear students, so today we are back with a very important session with you all. Right. So, generally, there are two type of students at this uh, moment of time that is who who are going to prepare for December 2023. and those who are preparing for the net 2024 right so is इस par पर जो एक major doubt hai है कि agar अगर हम ke liye prepare के लिए the कर रहे थे so what should be our strategy and jo hum 2024 जो हम kar rahe hain के लिए कर रहे हैं तो क्या हमें ya fir what should नहीं देना चाहिए या फिर वट शुड बी आर अप्रोच या फिर जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल अभी एनरोल किया है अक्टूबर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में प्रपरेशन स्टार्ट की है या फिर लास्ट मंथ ही एंड नाव दे नो समवेयर के एग्जाम डिसम्बर में है तो कैसे करें प्रेपरेशन क्या डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ही है जो हमें अच्छे से करके निकालना है या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को टारगेट करना चाहिए राइट सो so, बहुत सारी चीज़ें हैं डिलेमा हैं जो इस टाइम पर हम लोगों के मन में आ रहे होंगे बट डोंट वरी आज उन सबका क्लियर कट सोल्यूशन आई विल बी गिविंग यू सी देखिए अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही अपनी तैयारी स्टार्ट किया लास्ट मंथ एंड यू डोंट हैव बेसिक्स विद यू राइट कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनक्लियर है मैं बिल्कुल सारे स्टेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस करके चलूंगी सबसे पहले आई एम एड्रेसिंग फॉर दोस्त की जो बिल्कुल बिगिनर है, दोस हैं दोस्त हु डू नॉट हैव एनी आइडिया इन द हेड्स कि मैम कैसे एग्जाम को देना है कैसे चीज़ें करनी है राइट

बट वो अनलिमिटेड ना हो तो अच्छा है पहले दूसरा अटैम्प में निकल जाए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा राइट तो पहले अटैम्प्ट में आप उसे निकाल कर अपने आप को जस्ट टारगेट दे के देखेंगे कि येस मैं ये सारी यूनिट्स फिनिश करके जाऊँगा या जाऊंगी एंड लेट्स सी मैं कितना परसेंट यहाँ पर सिलेबस कर पा रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर एक आप एग्ज़ाम एक एक्सपीरियंस भी लेकर आओगे कि हाउ डू यू फील कि जब आप एग्जाम दे रहे हो आपको टाइम का शॉर्टेज लगा आपसे फिजिकल ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है ऑर्गेनिक अच्छे से हो पा रही है नॉर्गेनिक कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आई किसके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा है लाइफ साइंस से हो तो थियोरी कहीं क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम आपको जा रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको वहां एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से भी समझ में आने वाली है टेस्ट एक्सपीरियंस से राइट तो एक ही आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा तो अगर आपका ये वाला एग्जाम नहीं भी होता है स्टिल यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ अगर मैंने इतनी प्रिपरेशन में इतने अच्छे से स्कोर कर लिया है तो मैं नेक्स्ट एग्जाम में जे तक बिल्कुल पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी राइट बट अगर आप यही सोचते रहोगे कि दो महीने में होगा नहीं होगा या फिर ये चीज पढ़ लू या ये वाली चीज पढ़ लू तो वो ना ही आप अच्छे से कोई यूनिट कर पाओगे पूरी तरीके से ना ही फिर जब नेक्स्ट एग्जाम आएगा फिर आपको लगेगा कि लास्ट वाला नहीं हुआ था और उसका भी डिमोटिवेशन आपके पास एडअप हो जाएगा जो कि हमें करना ही नहीं है राइट हमें सिर्फ इतना लेकर चलना है कि अगर हमने अभी अक्टूबर नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की है वी आर वेरी बिगिनर तो हमारा जो मेन फोकस है दैट शुड बी और कंसेप्ट और देखते हैं कि तीन चार महीने में हम ये जो हमारे पास टाइम रहा है इन तीन महीनों में हम कितना मैक्सिमम ग्रैप कर सकते हैं और उसमें से ही हम कितने मार्क्स स्कोर करके आ पाए हैं एग्जाम में और उसको ब्रश अप करके हमें ट्वेंटी को अच्छे से देना है राइट नाउ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को टारगेट मानकर बैठे हुए हैं मतलब उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है काफी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने मंथ्स प्रॉपरली अच्छे से दिए हैं राइट एंड दो महीने उनके पास अब है तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप सबसे पहले एक होता है हमारे पहले कॉन्सेप्ट थ्रू हो देन वी मूव टूवर्ड्स दी प्रैक्टिस राइट तो अगर कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने कर लिया बेसिकली सो so उन लोगों के लिए टाइम है फॉर द रिविजन जहाँ पर आप पी टेन ईयर पी वाई क्यूज मिनिमम लगाइए अगर आपके पास टाइम है तो पास फाइव ईयर के गेट के पेपर भी आप लगा लीजिए तो मैं केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोर एंड लेस वो सेम ही हैं यू कम टू नो कि हाँ क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है तो वो कैसा और आ सकता है और बेसिकली ये टाइम आपके पास अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपने सारे यूनिट्स के कवर कर लिए नोट्स आपने बना लिए हैं तो दिस इज़ द ओनली टाइम दैट यू हैव फॉर योर प्रेपरेशन तो क्वेश्चन आपको जितने भी मिले जहाँ से भी मिले दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे जितने ज़्यादा ट्विस्टेड एंड टर्नड क्वेश्चन आपको मिलेंगे उतना अच्छा है क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो दैट विल काउंट एज एन क्योंकि जैसे ही आपको ये देखोगे हो जाएगा कि यार हाँ ये वाली चीज़ मैंने पहले देखी हुई है या फिर how to attend, right? how to attend the question, तो आप अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन को कि कोई क्वेश्चन अगर ऑफ दी ट्रैक भी आता है तो राइट right? तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है इस मोमेंट ऑफ पॉइंट पर कि अपने 2023 को मानते हुए उसकी तरफ ओवर एनालाइज नहीं करना है कि होगा एग्जाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा या फिर कैसा होगा ये सब चीजें नहीं सोचनी है जस्ट यू हैव टू थिंक कि यस yes, एग्जाम का वन पार्ट दैट इज वन स्टेज दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट वो हमने कर लिए हैं नोट्स हमने बना लिए हैं सो वी हैव टू डू इज जस्ट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स वी हैव टू जस्ट गो थ्रू विद द मॉक टेस्ट एंड पास्ट फाइव ईयर गेट के पेपर्स आप कर सकते हो ऑन द सेफर साइड राइट सो दैट इज़ इट फॉर दी सेशन स्टिल किसी को कोई डाउट है यू पीपल कैन कॉमेंट ऑन दी लिंक दैट इज गिवन बिलो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो राइट सो दैट इज़ इट फॉर दी सेशन माई सेफ इफांश सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे होप यू ऑल स्टिक टू वट आई हैव सेट एंड अच्छे से प्रिपेयर करोगे ऑल द बेस्ट टू यू ऑल हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच